हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर थर्ड करेंगे और चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि जो भी लीनियर इक्वेशन हम लेंगे वो पेयर के रूप में लेनी है, और टू वेरिएबल्स की बात करें तो दो वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं कि दो अल्फ़ाबेट हम इसमें यूज करेंगे, जैसे लाइक एच एक्स वाई, पी क्यू एस टी एंड सम अदर अल्फाबेट्स। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस मी सी इक्वल जीरो, ये हमारी इक्वेशन होगी। और इक्वेशन क्या है? टू वेरिएबल्स वाली। टू वेरिएबल्स की कैसे है ये? एक अल्फाबेट यहां पे एक्स है और दूसरा अल्फाबेट यहां पे वाई है। अब इसी तरह हम इसको पेयर के रूप में लिखेंगे, ए एक्स बी वाई प्लस में सी इक्वल जीरो। और यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, फोर एक्स प्लस में थ्री वाई माइनस एट इक्वल जीरो, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हो गई। और एक और एग्जाम्पल लेके यदि हम बात करें तो टू एक्स प्लस में सेवन वाई माइनस फोर इक्वल जीरो, या यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, ये हमारी इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब आपको यहाँ पे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होगी? देखिए, इस इक्वेशन में भी ए की वैल्यू चार है और इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है? दो है। अब हम यहां पे कैसे कंसीडर करेंगे कि ए की वैल्यू है क्या? तो यहां पे ए की वैल्यू के लिए हमें दो वैल्यू नहीं बता सकते, तो इसलिए जो इक्वेशन नंबर वन है उसको हम क्या करेंगे, ए वन बी वन और सी वन लिखेंगे, और ऐसे ही जो आपकी इक्वेशन नंबर टू है उसको ए टू बी टू और सी टू लिखेंगे। इस तरह हम किसी चीज को कंसिडर कर पाएंगे कि ए वन की वैल्यू यहां पे कितनी है, फोर है, बी वन की वैल्यू यहां पे थ्री है और सी वन की वैल्यू यहां पे माइनस एट है। और इसी तरह इक्वेशन नंबर टू की यदि हम बात करेंगे तो यहां पे ए टू जो है वो टू है, बी टू यदि बात करें तो प्लस के सेवन है, और सी टू की बात करें यहां पे माइनस के फोर है। इस चैप्टर के अंदर हमें फोर मेथड्स पढ़ने हैं। कितने मेथड्स पढ़ने हैं? फोर मेथड्स। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा जो मेथड है वो आपका है एलिमिनेशन। और जो फोर्थ है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस तरह इस चैप्टर नंबर थर्ड में हमें चार मेथड करने हैं, और चार मेथड में हर एक्सरसाइज में आपको अलग अलग मेथड देगा और उनको हमें सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, बता रहा है, सेवन ईयर एगो, सात साल पहले, आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड यू, मैं तुमसे सात टाइम्स था। ये कह रहा है कि सात साल पहले मैं तुमसे सात गुना था, यानी सेवन टाइम्स था। ऑल्सो थ्री ईयर फ्रॉम नाउ, अब से तीन साल बाद,
आई शैल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड यू, मैं तुमसे थ्री टाइम्स रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इसको एलजेब्रा की फॉर्म में और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाना है। देखिए यहां पे जब भी हम किसी भी एज वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि दो बंदे होंगे, जैसे यहां पे आफ्ताब और उसकी बेटी है, तो हमें एक को एक्स कंसीडर करना है और दूसरे को वाई कंसीडर करना है। कैसे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम एक्स ईयर कंसीडर करेंगे, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो कंसीडर करेंगे वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हम बात करते हैं कि सेवन ईयर एगो, सेवन ईयर यहां पे लिखेंगे, सेवन ईयर एगो, यदि हम सेवन ईयर एगो की बात करें तो ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है। देखिए यहां पे थोड़ा सा हम नजदीक सा लिखेंगे कि ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है। सात साल पहले की बात करें तो सेवन सेवन दोनों में माइनस हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, सेवन ईयर एगो, मैंने क्या लिख दिया, आफ्ताब भी सेवन ईयर एगो है और उसकी बेटी भी सेवन ईयर एगो। आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू। अब ये आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कह रहा है कि मैं तुमसे सेवन टाइम्स ओल्ड था, तो यहां पे सात साल पहले मैं तुमसे कितने टाइम्स, सेवन टाइम्स। अब फादर के मल्टीप्लाई में थोड़ी सेवन टाइम्स आएगा, बेटी से जो उसकी डॉटर है उससे सेवन टाइम्स था, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे एक्स माइनस सेवन इक्वल सेवन की वाई में सेवन वाई और सेवन की सेवन में 49। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेट एक तरफ लेंगे और नंबर एक तरफ लेंगे, तो यहां पे 7y इस तरफ है, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहां पे माइनस 49 है, ये 7 इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस 7y इक्वल माइनस के 42। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन क्या कह रहा है भाई, अगेन वो कह रहा है थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, क्या लिखेंगे, थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से तीन साल बाद। देखिए ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है, यदि थ्री ईयर फ्रॉम नाउ की बात करें, अब से तीन साल बाद मैंने प्रेजेंट एज ली और अब से तीन साल बाद की बात करी तो मैंने प्लस किया, कितने टाइम्स, आई सेल बी थ्री टाइम्स, आई सेल बी थ्री टाइम्स, तो एक्स प्लस थ्री इक्वल थ्री की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे थ्री वाई प्लस में नाइन। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये नाइन ये माइनस के यहां पे एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल में सिक्स। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ये हमने एलजेब्रिकली सेव कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक्स पहली इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल माइनस 42, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहां पे हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे एक्स माइनस थ्री वाई
यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल के सिक्स। अब हमें जब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें कोई वैल्यू कंसीडर करनी होगी, एक्स जो है यहां पे रखेंगे और ये माइनस सेवन वाई है इस तरफ लेके आएंगे, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये हमारी थोड़ी सी कॉमन सी मान के चलेंगे इसको हम, हमने ये क्या कर दिया एक बॉक्स में डाल दिया। और ऐसे ही अब हम इसको करेंगे एक्स इक्वल सिक्स प्लस में थ्री वाई, और इसको भी हम क्या करेंगे एक बॉक्स में डाल देंगे, ये हमारी क्या है मेन इक्वेशंस है। अब यदि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सेम एज इसके अंदर और सेम एज इसके अंदर, तो हम यहां पे y इक्वल क्या कर रहे हैं, y इक्वल हम क्या करेंगे यहां पे जीरो कंसीडर करेंगे, और y इक्वल जीरो कंसीडर करेंगे तो x इक्वल माइनस 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई जीरो, माइनस 42 प्लस में जीरो तो वैल्यू माइनस 42 आ गई, और इसी तरह हम y की वैल्यू यहां पे 2 कंसीडर कर रहे हैं, कितनी कंसीडर कर रहे हैं 2 कर लो 7 कर लो आपकी इच्छा है, 2 ना करके हम क्या करेंगे यहां पे 7 करेंगे, 7 क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं 7 क्यों कर रहे हैं, माइनस 42 प्लस में 7 और यहां पे 7। देखिए हम इस ग्राफिकल मेथड को इजी से इजी करने के लिए हम यहां पे वैल्यू ऐसी रख रहे हैं कि 7 के मल्टीपल ही आ जाए। अब यहां पे देखिए y की वैल्यू यहां पे कितनी रखेंगे जीरो रखेंगे, तो x इक्वल 6 प्लस 3 कोमा 0, x इक्वल 6 प्लस 0 तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी जीरो। अब यहां पे y की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, y की वैल्यू हम यहां पे कितनी कंसीडर करें 7 कर ले या कुछ भी कर ले, यहां पे मैं कर रहा हूं 3, तो x इक्वल 6 प्लस 3 3 6 प्लस 9 ये आ गया आपका 15। अब यहां पे ध्यान दीजिए हमने इसके लिए एक बॉक्स कंसीडर करना है, हमें मिनिमम 2 वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है और हाईएस्ट तो आप कितनी भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू देखिए y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आई हमारी माइनस 42 और यहां पे y की वैल्यू 7 रखी, आंसर भी हमारा 7 ही आया, और इसी तरह हमें इसकी भी टेबल कंसीडर करनी है, टेबल कंसीडर कर रहे हैं भाई। अब यहां देखिए y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आई 0 ही आई, सॉरी 6 आई, 6 यहां पे ध्यान दीजिए 6 कितनी आएगी 6 आएगी, यहां पे कितनी आएगी 6 आएगी, 6 प्लस 0 6 होता है। अब यहां पे देखिए y की वैल्यू 3 हमने रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 15 आई। अब हमें इसको ग्राफ में बनाना है, कैसे देखिए ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू देखिए दोनों ग्राफों में कितनी है माइनस के 42 है, तो हम क्या करेंगे माइनस 42 माइनस 35 हम 7 7 या ये कहे हम क्या करेंगे हम करेंगे 5 ये मान लो हम क्या कर रहे हैं हम कर रहे 10 वाला 10 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं 40 30 प्लस के होंगे भाई ये 20 ये 10 और ये 0 क्योंकि ये वाई एक्सिस है, यहां पे माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 और ऐसे ही इस तरफ भी ड्रॉ करने है और इस तरफ भी ड्रॉ करनी है, यहां 10 20 30
40 एंड 50, ये x एक्सिस है और ये y डैश है और ये x डैश है। माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस के 40 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस के 50 लिख लेंगे। अब यहाँ पे पहले इस बॉक्स को लेके चलते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस के 42 है तो माइनस 42 यहाँ पे आ जाएगी और वाई की वैल्यू 0 तो यहाँ पे हमारा एक वो बन गया। हम क्या करेंगे, एक अलग पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस 42 बन गया तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस 42 कोमा 0 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है एक्स की वैल्यू 7 तो पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू 7 तो यहाँ से और ये 7 तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 7.7। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाइए भाई, ऐसे आपने मिला देना है और इसी तरह आप यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे देखिए 6 और वाई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6.0 लिखोगे और एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 3 है तो हमारा ये आ गया और ये आ गया। ध्यान दो भाई, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऐसे मिल जाएगा तो ये पॉइंट हमारा एक और आ गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इस तरह जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है जो, इसको लिखेंगे हम x माइनस 7y इक्वल माइनस 42 वाली लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है इसको क्या लिखोगे, x माइनस 3y इक्वल के 6 है। इस तरह आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है।